नमस्कार आप देख रहे हैं जेके खबर न मैं हूं पंकज शर्मा मैं इस समय लोअर बगन में खड़ा हूं जहां पर आर्गेनाइजरों के द्वारा एक टूर्नामेंट करवाई गई बहुत अच्छा खेला जहां बड़ी दूर दूर से लड़के आए थे खेलने के लिए बहुत अच्छा इंटरेस्ट था उन उनके अंदर और बहुत अच्छा जज्बा था लेकिन लोअर बगनी की बात करूँ तो जहाँ पर आए दिन मैं टूर्नामेंट बहुत होती है लेकिन ग्राउंड नहीं है ग्राउंड इस कारण नहीं है क्या पता किस की मैं किसी के ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहूँगा लेकिन खुद पंचायत ने भी सोचना चाहिए और एडमिनिस्ट्रेशन ने भी सोचना चाहिए कि अगर हिल एरिया के बच्चों में बच्चों के अंदर टेलेंट है तो उनको ग्राउंड बहुत ज़रूरी है जहाँ के ऑर्गेनाइज़र हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे और प्रयास करेंगे कि आखिरकार आपने ये सिलसिला कब का शुरू किया है और आपके अंदर में क्या जज्बा आया कि हमारे जो हिल एरिया है उनको बच्चे हैं हिल एरिया है के उनके अंदर कितनी तरह टैलेंट है तो इन्हें क्या समझ के एक जहां पर जो टूर्नामेंट करवाई थी उसके अंदर क्या इनका योगदान रहा सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारे चैनल में क्या नाम है आपका धन्यवाद सर क्या नाम है मेरा नाम गणेश तिजवाल है सर मैं आपको बता दूँ हम जहां इस ग्राउंड को अपग्रेड कर रहे हैं एक बार पहले भी टूर्नामेंट करवाई थी हमने ट्वेंटी दिसंबर को अभी भी जनवरी में तीन जनवरी को स्टार्ट हुई थी अभी थोड़ी बारिश के कारण लेट होगी लेकिन हम एडमिनिस्ट्रेटिव से और जो हमारे जहाँ के लोअर पंचायत के सरपंच हैं उनसे भी हम गुजारिश करेंगे इधर थोड़ी ग्राउंड नहीं है बाकी खेलने के लिए अच्छा है लेकिन थोड़ा इसको फील्ड अप करना चाहिए और थोड़ा ए, पैसा पुसा लगा के बाकी मैं जानता हूँ जहाँ जंगलात है जहाँ काम नहीं हो सकता है लेकिन इसको डंगा वगैरह लगना चाहिए जो भी इसकी फ़िलअप होनी चाहिए और अच्छी तरह से फिलअप होगा हमारे पास इस साल पंद्रह बीस टीमें आई थी हमने बीस दस ईयर फाइनल दिया है अगली बार इससे भी बैटर देंगे और उनसे गुजारिश करेंगे सरपंच सुरेश जी से कि इस ग्राउंड का भी कुछ हल किया जाए तो जैसे हमारे साथ गणेश राजवाल जी ने ना कहा है कि मैं सरपंच से प्रार्थना करूंगा कि जल्दी से जल्दी इस ग्राउंड का जायज़ा लिया जाए और जल्दी से जल्दी थोड़ा बहुत इसको ठीक किया जाए तो हमारे साथ जो टीमें थी दो बग्गन वर्सेस और नानगला जो कि बग्गन वर्सेस थी वो मैच जीत गई है फाइनल तो जो नानगला जो बग्गन टीम थी तो उन्होंने 112 रन एक कितने बनाए 112 रन उन्होंने बनाकर खड़े कर दिए वर्सेस टीम नानगला के लिए लेकिन नानगला ने लेकिन नानगला ने अस्सी के पार नहीं हुआ लेकिन नानकला टीम हार गई और जो बग्गन बग्गन टीम है वो जीत गई है इसके लिए मैं इनके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद दे देना चाहता हूं कि बग्गन की टीम जीत गई है और फाइनल जहां से ले चुकी है जो फाइनल रखा गया था तो वो दस हज़ार है जो नानकला के कैप्टन हैं उनसे भी बात करेंगे सबसे पहले तो स्वागत है क्या नाम है आपका सोमराज सोमराज कहाँ से नानकला से नानकला से जो आपने लोअर बगल में मैच खेला तो इसका कितना इंटरेस्ट था आपको मैच खेलने का तो इंटरेस्ट की बात करूँ तो इंटरेस्ट तो काफ़ी दिनों से ही है लेकिन जिस तरह से हमारी टीम थी बैलेंस टीम थी अच्छा खेला फिलहाल पहले मैच में हमें हार मिली थी उसके बाद हमने कम किया और फाइनल तक हमने क्वालिफ़ाई किया और अच्छा लगा अच्छा फील हो रहा है हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट इससे भी अच्छा करें और अच्छा फ़ील हो रहा है समय हमें और थैंक्स करते हैं हम ऑर्गेनाइज़र का जिस तरह से इनका ग्राउंड भी नहीं है फिर भी इतने अच्छा, अच्छा इतनी अच्छी पिच है लेकिन हम कोशिश करेंगे कि इससे नेक्स्ट टाइम इससे अच्छा ग्राउंड और हम अच्छा खेलेंगे थैंक यू क्या नाम है

विपक्षी टीम बगन ने भी बहुत बढ़िया खेल खेला थैंक यू बस उनके इस्लामी बल्लेबाज दोनों जावेद और क्या नाम है वीर सिंह वो जल्दी आउट होने के बावजूद उन्होंने इतना बड़ा स्कोर खड़ा किया थैंक यू संजय क्या नाम है जी सर जावेद इकबाल जावेद इकबाल जी बगन टीम के वो आप हैं बगन टीम के नहीं फिलहाल तो अपनी टीम तो अलग है लेकिन बगन ने उनको इनवाइट किया था खेलने के लिए तो बगन की टीम के साथ हमने खेला और अच्छी तरह से इनमें इन्वाइट किया खेला अच्छी तरह और मैच जीत लिया इन्होंने मैं जावेद जी का बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा ये हम मलार से हैं जावेद ने बहुत अच्छा आ, स्कोर खड़ा किया है नानकला वर्सेस के लिए मैं इनके लिए सलूट करना चाहूँगा कि जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन है डिस्ट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन है वो हमारे एरिया के बारे में सोचे और जो ऐसे आ, 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 राजे हैं इनको आगे ले जाए और नेशनल तक इनको खेलने की अनुमति दिए और वहाँ पर इनको जगह दे और हिल एरिया का बहुत अच्छा टैलेंट है जावेद के लिए सलूट है आपका नाम सर मेरा नाम मुकेश कुमार है मुकेश कुमार कहाँ से टीम टीम से सर, से ठीक है आपका नाम पवन कुमार कहाँ से नानगला से नानगला से ये भी नानगला से आपका नाम राय कुमार है कहाँ से नानगला से सर नानगला से जी सर आपका नाम जी भूषण कुमार भूषण कुमार कहाँ अच्छा आपने मैच जीत लिया तो आपको कितनी खुशी हो रही है आज त्यौहार का दिन भी है लोहरी का दिन भी है हमें तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है जो हमारी टीम के कैप्टन हैं गुलशन कुमार जी इन्होंने बहुत अच्छा योगदान दिया कप्तानी में और जो हमारी टीम के प्लेयर्स थे सभी ने अच्छा योगदान दिया अच्छा खेला सब कुछ अच्छा किया और मैं मतलब जो ऑर्गेनाइजिंग की कमेटी है मैं उनका थैंक यू करना चाहता हूँ जो उन्होंने अच्छा मतलब सब कुछ पिच वगैरह बना रखी थी है ना तो मेरे एडमिनिस्ट्रेशन से अपील है कि जहाँ पे मतलब ग्राउंड अच्छा नहीं है तो आप थोड़ा यहाँ पे ग्राउंड को सही करें डंगा वगैरह दिए ताकि और दूर दूर से टीमें यहाँ पे आएं जी जी अब कहा कवि कवि कहाँ से बगन से बगन से बहुत अच्छा खेला आपको मुबारक है एक तो लोड़ी की है दूसरी आपको कभी आपको भी, आपको, भी. <laughs> आपको मैच की भी हो आपने मैच जीत लिया फाइनल बहुत अच्छा ऐसे जो बच्चे होते हैं इनको दूर दूर तक पहुंचने की कोशिश होती है लेकिन क्या ना जाने क्या पता नहीं एडमिनिस्ट्रेशन क्या इनको आगे नहीं लेने चाहती है लेकिन हिल एरिया का बहुत अच्छा टैलेंट है मैं आपको काफ़ी बार बता चुका हूं कि जो हिल एरिया का युवा है उसके अंदर बहुत अच्छा टैलेंट है आपका नाम जी गुलशन कुमार सर गुलशन कुमार गुलशन कुमार जी आप तो मुझे लगता है कि टीम के हेड हो कैप्टन हो तो आपने ये टीम कैसे तैयार की थी सर देखिए टीम तो हम सभी एक, एक टीम के साथ खेलते थे हमारे जो सीनियर प्लेयर हैं वो इस समय नहीं आए थे कहीं के पेपर चल रहे हुए हैं तो मेरे साथ मेरे साथ जो एक दो लड़के बाहर की टीम के थे मैंने बुलाए उनको खिलाया और उन्होंने अच्छा योगदान दिया हमारी टीम के लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूँ और जो बाकी इस ग्राउंड की बात है कि ग्राउंड अच्छा नहीं है सर बाकी तो ठीक है लेकिन जहाँ जो मेरे को जो सबसे ज़्यादा दिक्कत आई वो पेड़ों की आई इस वजह से जितना मर्जी जोर लगाया जाए लेकिन पेड़ों के साथ गेंद टच होके वापस आ जाती थी ये है गुलशन जी अपर बगन से है मैं इनको बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि एक तो लोहड़ी की है दूसरी तो मैच की होगी इनको लेकिन मैं देखता रहा जहाँ पर जितना इन्होंने जोर लगाया तो लेकिन ये पेड़ ना होते तो शायद डबल छक्का हो सकता था लेकिन गुलशन जी है बहुत अच्छा टैलेंट है इनके बीच आप पर बगन से हैं मैं इनके लिए सलूट करना चाहूंगा इनकी पूरी टीम के लिए सलूट करना चाहूँगा आपका नाम राजकुमार राजकुमार कहाँ से मल्हार से मल्हार से हाँ। इतनी दूर से जहाँ पर खेलने के लिए मल्हार से आया है कितना अच्छा टैलेंट है इनके बीच इनके बीच और मेरे पास कहने के लिए शब्द नहीं है कि इतने इतना दिमाग कहाँ से आया कि मैं क्रिकेट खेलूँ और क्रिकेट में अच्छा बहुत अच्छा है इन्होंने बल्लेबाजी की और गेंदबाजी भी बहुत अच्छी की फील्डिंग भी बहुत अच्छी करते हैं लेकिन मैं भगवान से प्रार्थना करूँगा कि ऐसे बच्चों को दूर दूर तक पहुँचाया जाए तो कम नहीं है ये भी किसी से और ना ही मल्हार कम है किसी पंचायत से ना बगन कम है ना लोर है ना अपर है लेकिन हिल एरिया की कमी यही है कि जहाँ पर ग्राउंड नहीं है ग्राउंड की बहुत दिक्कत आ रही है लेकिन मैं शायद मैं दावे के साथ कहता हूं कि अगर ग्राउंड हो तो बच्चे खेले तो इंटरनेशनल तक पहुंच जाते हैं और आ, कोई कहता है कि हम टीवी में देखते हैं ये लेकिन ये इनका अंदर का जज्बा जो कहता है कि हमें भी कोई टीवी में देखे लेकिन टीवी में कहाँ देखे इनको इनके पास ग्राउंड नहीं है ग्राउंड की हंसता हालत देखो आप लेकिन वहाँ से आए हैं मल्हार से आया है कोई त्रप्पर से आया है कोई डुडू बसंतगढ़ से आया है वहाँ पर खेलने के लिए कोई नानगला से मछेडी से आया है लेकिन ग्राउंड की हलसा हालत बहुत ख़राब है टेलेंट बहुत है इनके अंदर आपका नाम भाई जी गौरव कुमार गौरव कुमार जी कहाँ से हो अपर बगन से अपर बगन से बहुत अच्छा खेला आपने मैंने देखा आपकी बल्लेबाजी भी बहुत अच्छी रही और आपका बैटिंग की आपने बहुत अच्छी की तो आपको खुशी होती है जब आप मैच जीत जाते हो खुशी तो होती है दोनों टीम में जज्जबा होता है कि मैच खेलने का तो अब टीम एक तो हारती है हार जीत तो मैच का एक हिस्सा है तो अच्छा है, दोनों प्लेयर अच्छे खेलते हैं जब तो एक ने जीतना तो होता है एक ने हारना होता है तो। अपर बगन से गौरव जी गौरव जी थे अपर बगन से इन्होंने भी बहुत अच्छा खेला आपका ना सर रवि कुमार रवि कुमार जी ये जो तो जाने पहचाने नहीं लगती है लेकिन ये जहाँ मैच होते हैं वहाँ पहुँचे होते हैं मेरे से आगे पता नहीं इनको कितना इंटरेस्ट होता है मैच खेलने का पता नहीं खाना खाते हैं सुबह नहीं खाते हैं या मुझे नहीं लगता है कि खाना खाते होंगे खाना खा के आते हो आप सुबह मैच सुबह मैं सुबह की देखो मैं अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को बताना चाहता हूं कि अपर बगढ़ में ऐसे युवा भी है जो मैच का बहुत इंटरेस्ट रखते हैं लेकिन ग्राउंड नहीं है क्या करें लेकिन ये भी चाहते हैं कि हमें भी कोई टी में देखें मैच खेलते हुए हमारे घर वाले भी देखें रिश्तेदार भी देखें लेकिन बदकिसमती यही है कि ग्राउंड नहीं है मैं बार बार यही एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करना चाहूंगा कि आप हिल एरिया को ग्राउंड की बहुत सुविधा दें क्योंकि एक तो कोरोना बलकार सिंह बलकार सिंह हाँ तो जो हमारे हिल एरिया के लड़के हैं सभी अच्छा खेलते हैं ऐसी बात नहीं है लेकिन हमारे जो हिल एरिया में यही प्रॉब्लम है ग्राउंड की प्रॉब्लम है और कुछ प्रॉब्लम है प्रॉब्लम जे थे हमारे साथ क्या नाम है बताए बलकार सिंह जी कोचर हैं बगन के कोचर हैं इनके लिए तालियां हो जाए कोचर है इन्होंने ये टीम थी जो बग्गन की टीम थी जिस जिस टीम ने फाइनल लिया है मैं उसके लिए मुबारकबाद देना चाहता हूँ सबसे हिस्सेदार मुबारकबाद के हैं बलकार जी जो कि कोचर है बग्गन टीम के बहुत अच्छा प्रैक्टिस दी है लड़कों को और युवाओं को जो है वो अच्छी गाइडलाइन बता रहे हैं और अच्छी राह पे ले जा रहे हैं मैं इनके लिए सलूट करना चाहूँगा बलकार जी हैं मैं इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि ऐसी जो शिक्षा दी है इन्होंने जो टी टीम के लिए शिक्षा दी है बच्चों को शिक्षा दी है कि आप क्रिकेट खेलो और आगे की मंजिल प्राप्त करो मैं इनके लिए सलूट करना चाहूँगा दिल से बहुत बहुत, बहुत शुक्रिया आपने सर जो आपने टीम तैयार की थी और आप बहुत हिस्सेदार बने इस टीम के कोचर बने मैं आपके लिए सलूट करूँगा तो ये थे हमारे साथ आपका नाम मेरा नाम है सुनील कुमार बगन से बगन से जे इनकी आप मुझे लगते नहीं है कि 12 साल के भी हुए हैं शायद बारह तेरह साल के हैं लेकिन बहुत अच्छे बैट्समैन हैं बॉलर भी बहुत अच्छे हैं जिन्होंने दो विकटें ली है एक ओवर में दो तो विकटें ली हैं कद देख सकते हैं आप मैं इनके लिए भी सलूट करना चाहूँगा तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन से यही अपील करना चाहूँगा कि आप जल्दी से जल्दी इस बातों के ऊपर संज्ञान लिया जाए और जल्दी से जल्दी जहाँ भी दिक्कत आती है ग्राउंड की लेकिन ग्राउंड बनाया जाए और मैं यही अपील करना चाहूँगा एल जी मनोज सेना जी से कि आप जल्दी से जल्दी इन बातों के ऊपर संज्ञान लिया जाए और हिल एरिया जो है उस पर जहाँ ग्राउंड की कमी है वहाँ ग्राउंड बना दिया जाए क्योंकि कोरोना महामारी के कारण स्कूल बंद पड़े हैं यूनिवर्सिटी बंद है कॉलेज बंद है लेकिन ग्राउंड तो दिया जाए उनको खेलने के लिए जो टाइम पास तो करें अपना कुछ तो कुछ सीखें देखते रहे हैं जैके खबर नौ पंकज शर्मा के साथ अगले अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहें मुझे और मेरे कैमरा पर्सन दीजिए ज़्यादा धन्यवाद एक और बात करना चाहेंगे हम बलकार जो कोचर है जितना हमारे हिल एरिया के लड़कों में टैलेंट है तो हमारे जो भी जहाँ के मतलब सरपंच है एडमिनिस्ट्रेशन है जो भी आदमी हैं कि जितना टैलेंट है ग्राउंड हो हमारे बच्चे अच्छा खेलेंगे यहाँ के लड़के तो ये डिस्ट्रिक्ट लेवल खेलेंगे उसके बाद स्टेट लेवल खेलेंगे नेशनल लेवल इंटरनेशनल लेवल खेल सकते हैं जितना टैलेंट है तो ये बच्चे तक पहुँच सकते हैं। अगर आपने अभी तक जे की खबर नाव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा तरीन खबरों की जानकारी के लिए डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट खबर नाव डॉट कॉम पर देश दुनिया की खबरें भी आप देख सकते